चलो मालिकीम, आज का हमारा वचन है यर्मिया की पुस्तक में से, यर्मिया 45 और उसका 5वीं आयत। उसमें कहता है, क्या तुम अपने लिए बढ़ाई खोज रहा है? मत खोज, मैं तेरे प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूँगा। परमेश्वर यहाँ पे हमें एक खतरे से चौकन्ना कर रहा है। खुद के लिए बढ़ाई खोजना आगे जाके पाप का मूल बन जाता है और हम ऐसे फंस जाते हैं कि उसमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम देखें तो जगत में पाप कहाँ से आया? पाप तीन चीज़ों की वजह से आया, जिसमें से सबसे पहली बात थी खुद को बड़ा करने की। हम सब जानते हैं पाप शैतान लेके आया था। शैतान ने तीन चीज़ें सोची थी, उसमें से सबसे पहली चीज़ थी खुद को परमेश्वर से ऊपर करने की। वो चाहता था कि सब लोग उसी का भजन करें और उसी को माने, और वो सबसे बड़ा होना चाहता था। यही उसका सबसे पहला गुना था और उसी की वजह से उसको पृथ्वी पर फेंक दिया गया। और पृथ्वी पर आके उसने स्त्री के द्वारा जगत में इसी तरह से पाप को अंजाम दिया। आदम एंड हवा को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, एक फैमिली बना के रखा था, उनको कोई मेहनत नहीं करनी थी, उनके लिए सारा ही इंतज़ाम परमेश्वर ने पहले से करके रखा था। घर दिया था, रहने की जगह दी थी, खाने पीने के लिए दिया था, और जो भी उनकी आवश्यकता होती सब उसको दिया था। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हाथ बढ़ा के वो बागीचे के फल खा सकते थे, आराम कर सकते थे, सो सकते थे, परमेश्वर के साथ अच्छी संगति बिता सकते थे, क्योंकि परमेश्वर रोज़ उनको मिलने आता था, परमेश्वर रोज़ उनसे बात करता था और परमेश्वर हमेशा उनके आसपास रहते थे। पर हवा के द्वारा शैतान ने अपनी चाल चली। शैतान ने उसको क्या बताया था? देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 5वीं और 6ठी आयत है। उसने इसी बात का उपयोग किया, बड़ा होने की बात। उसने कहा कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे और वो क्या कहता है, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और स्त्री को वहाँ लालच आ गया, वो खुद को भी बड़ा चाहती थी और उतना ही नहीं पर वो परमेश्वर से भी खुद को ऊपर उठाना चाहती थी, जिसकी वजह से पाप हम सब में आ गया और पूरी मानव जाति पाप में घुस गई। देखने में ये बात बहुत छोटी है कि केवल उसने फल खाया था, पर उसके पीछे जो राज है वो बहुत बड़ा है। उसने खुद का महत्व सोचा, उसने खुद के लिए कुछ बड़ा करने का सोचा और परमेश्वर से भी ऊपर उठने का सोचा, और उसने शैतान की बात मानी। जो परमेश्वर ने जिस बात के लिए उसको मना किया था वही बात उसने करी। अगर हम आगे जाके वो उसी बात पे आगे जाए तो देखते हैं कि इब्राहिम का भतीजा लोट था, जब उसके लिए जगह पसंद करने की बात आई थी तो उसने क्या किया कि उसने इस तरह की भूमि पसंद करी कि जहाँ पे बड़ी फलद्रुप थी वो भूमि, और वो जगह मशहूर थी उसके पापों के लिए और दुष्टता के लिए, और वहाँ पे वो सारे ही पाप होते थे जो जगत में थे, सभी तरह के पाप का मूल था वो जगह। पर लोट ने वहाँ की जगह पसंद करी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़मीन बड़ी अच्छी थी और खेत खलियान बड़े अच्छे हो सकते थे वहाँ पे, और उसको किसी बात की कमी नहीं रहती और वो जल्दी जल्दी अमीर हो सकता था। तो उसने ये सोचा होगा कि चलो मैं शहर के अंदर तो नहीं रहूँगा, बाहर ही कहीं रहूँगा कि जिससे मुझे उनके बीच में नहीं जाना पड़े। और वो वहाँ रहा और जैसे जैसे वो अमीर होता गया ऐसे ऐसे वो नगर के लोग उसके पास आए, उसी तरह की लालच दी उनको, लोट को उन्होंने न्यायाधीश बना दिया। तब लोट ने सोचा कि हाँ, ये अच्छा मौका है, मैं लोगों से अपनी बात मनवाऊँगा, मैं बड़ा हो जाऊँगा और लोग मेरी बात को मानेंगे और जैसे मैं कहूँगा ऐसे लोग करेंगे, और वो उनके बीच में हो लिया। जैसे जैसे वो अमीर होता गया, जैसे जैसे उसके पास अधिकार आते गए, वैसे वैसे वो और लालसा उसकी बढ़ती गई। वो और अमीर होना चाहता था, और बड़ा होना चाहता था, उसके पास और सत्ता चाहिए थी उसको, और वो उसमें से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। बस उसी में, उसी के अंदर बस रचा रहा। उसका परमेश्वर के साथ का संबंध जो था वो टूट गया। आज हमारे जीवन में भी इसी तरह से काम करता है, वो हमें लालसा देता है खुद को बड़ा बनाने की, खुद को और अमीर बनाने की, खुद को लोगों के ऊपर,
हुकूमत करने की हम सीधी तरह से नहीं मानते। काफी लोग होते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो सीधी तरह से नहीं मानते। तब शैतान जो है वो इस तरीके की लालसा लेके आता है कि जैसे किसी के ऊपर अधिकार देता है, पैसों का लालच देता है और कुछ इस तरह की बातें देता है कि हम खुद को रोक नहीं पाते और हम ये सोचते हैं कि नहीं, बाहर बाहर से हम रहेंगे और हम और भीतर नहीं जाएंगे। पर कब हमारा कनेक्शन परमेश्वर से छूट जाता है वो हमें पता नहीं चलता और उसके बाद सारी बातें हमें अच्छी लगती है, जगत अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है, सारी तरह की वासना हमें अच्छी लगती है और हम कभी बाहर नहीं आ सकते। हमारा नाश इसी तरह से हो जाता है। हम जब तक परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तब तक हमें अच्छाई और बुराई समझ आती होती है, पर एक बारी हम जब पाप में डूब जाते फिर सारी बुराई हमें अच्छी लगती, उसमें जीना हमें अच्छा लगने लगता है। हम संभल जाए और इन सारी बातों से खुद को बचा ले, इसके लिए ज़रूरी है हम हमेशा परमेश्वर को महत्व दें। हमारा महत्व हम कभी ना खोजें, क्योंकि तीन बातें हैं जो हमें पाप की तरफ लेके जाती है। सबसे पहली बात हमने देख ली, खुद के लिए महत्व खोजना और खुद को बड़ा करना। दूसरी बात है जिस कंडीशन में हम है उसमें असंतुष्ट होना और ज़्यादा चाहना। तीसरी बात है हमारे अधिकार को नहीं मानना। हम परमेश्वर के हैं और हमारे ऊपर केवल परमेश्वर का अधिकार है। उस अधिकार से हम बाहर जाने की जब कोशिश करते हैं तब पाप होता है। ये तीन बातों की वजह से पाप हमारे जीवन में आया था। दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं तो इब्राहिम ऊर देश से जब आया तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुम्हारा सब कुछ छोड़ के तुम आ जाओ, और वो अपना सब कुछ छोड़ के उसका परिवार को लेके वो वहाँ से निकल लिया। तब उसकी उम्र ज़्यादा थी, उसने वहाँ पे सब कुछ अपना धन दौलत पैसा सब बना लिया होगा और अच्छे से जीवन जी रहा होगा, तभी वो वहाँ रह रहा था। पर परमेश्वर के कहने पे उसने अपना सब कुछ छोड़ के वो आ गया। उसको पता नहीं था कि परमेश्वर कहाँ लेके जाएगा या आगे का जीवन किस तरह का होगा या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा। पर परमेश्वर के कहने पे वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गया। उसने परमेश्वर को अधीन कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ सब कुछ छोड़ जाऊँगा तो मैं वापस से गरीब हो जाऊँगा, मैं भटकता रहूँगा और मैं कहीं पर मेरा घर नहीं होगा। पर जब उसकी आशीष उसको मिली तब परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता बनाया और आज सारे ही लोग उसके नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर ने उसके साथ इस तरह का संबंध बांधा कि परमेश्वर उसके लिए कहता है कि जो मैं करने वाला हूँ क्या मैं इब्राहिम से छिपा के रखूँगा। परमेश्वर उससे सब बातें करता था, सारी ही बातें परमेश्वर इब्राहिम के साथ शेयर करते थे। प्रभु हमें कृपा दे कि हम हमारे सारे ही डिसीजंस को चेक कर पाए, कहीं हम अपना महत्व ढूंढ के प्रभु का महत्व से या प्रभु की अधीनता से हम दूर तो नहीं जा रहे, हम अपनी सेवकाई में कहीं हमारा खुद का महत्व तो नहीं ढूंढ रहे, कहीं हम तो बड़े नहीं हो रहे और प्रभु हमसे पीछे रह रहा है, कहीं लोग हमको तो नहीं जान रहे। क्या हमारे वचनों के द्वारा हम प्रभु को नहीं पर हम खुद को बड़ा कर रहे क्या? इन सारी बातों के लिए प्रभु अपना सामर्थ्य हमें दे। आइए प्रार्थना करें। अय हमारे पिता, हमको आपकी अधीनता में रहने का और आपके सारे वचनों को पालने के लिए प्रभु हमें आपकी कृपा चाहिए, हम नम्रता से आपके चरणों में रह सके और अपने लिए खुद का महत्व ना ढूंढे, ऐसा प्रभु आप होने दो। हम सदैव शैतान की सारी ही चालों से वाकिफ रहे और अपने को जगा के रखें, इसके लिए आपकी कृपा हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।